हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में आपको एक ट्रेंडिंग रील्स एडिटिंग सिखाने वाला हूं, जिसको आपने वीडियो में स्टार्टिंग में प्रीव्यू में देख ही लिया। तो कुछ इस तरह का रील्स अभी इंस्टाग्राम में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं गाइस, तो आप भी इस तरह का रील्स क्रिएट करके अपने वीडियो को वायरल कर सकते हो। इस तरह का वीडियो कैसे क्रिएट करते हैं वो इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और हाँ गाइस, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी स्टार्टिंग में मटेरियल रहता है जैसे कि वीडियो क्लिप, म्यूजिक, इसी चैनल में अपलोड करता हूँ। आप इसमें सिंपली ज्वाइन होकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, आप उसमें क्लिक करके ज्वाइन होकर सिंपली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप उसको एडिटिंग में यूज़ कर सकते हो। तो चलते अपनी इस अमेजिंग सी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको VN एप्लीकेशन को सिंपली ओपन कर लेना है। आप इसको प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर फ्री अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नीचे प्लस वाला आइकॉन देखने मिल रहा होगा, देख सकते हो ब्लू कलर का है नीचे में, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपका गैलरी शो हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको जिस वीडियो को एडिट करना चाहते हो ना, इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट हो जाने बाद आपको नीचे एरो पर क्लिक करके, नीचे देख सकते हो एरो है, इसमें आपको क्लिक करके ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड हो चुका है। आपको भी कुछ इस तरीके का वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है, देख सकते हो गाइस, कहीं पर जिसमें आपका ज़्यादा स्काई दिख रहा हो, इस तरीके का आपको वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है, कम से कम 10 सेकंड का, ठीक है। इस तरीके का वीडियो है। और हाँ गाइस, ये लास्ट में एक ब्लैक बैकग्राउंड रहता है वाटरमार्क वाला, इसको आपको डिलीट कर देना है। तो इसमें क्लिक करना और यहाँ से डिलीट वाला ऑप्शन आएगा, इसमें डिलीट कर देना, ठीक है। तो ये डिलीट हो चुका है, देख सकते हो गाइस, इस तरीके का हमारा वीडियो है। आपको भी सेम इसी तरीके का वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर हमें जो ऊपर में बर्ड्स उड़ रहे होते हैं उसका वीडियो ऐड करना है यहाँ पर। तो ऐड करने के लिए स्टार्टिंग में यहाँ पर देख सकते हो, ये थर्ड नंबर पे टैप टू ऐड स्टिकर लिखा हुआ दिख रहा है, ये वाला देख सकते हो, इसमें आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, आपको वीडियो फोटो वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये वाला वीडियो है 9 सेकंड का बर्ड्स फ्लाइंग वाले, इसको आपको ऐड कर लेना है। इसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इजीली डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर इसको मैं अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नीचे देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन देखने मिल रहा होगा गाइस। अब यहाँ पर आपको फिल वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, ठीक है। जैसे फिल वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली फुल साइज़ में आ जाएगा, इस तरीके से करना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने मिल रहा होगा ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग में आ जाना है और यहाँ से इसको डार्कन या मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देना, ये ऑटोमेटिकली अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे आपको राइट वाला ऑप्शन में क्लिक करके डन कर देना है, ठीक है। इस तरीके का हमारा वीडियो आ जाएगा, देख सकते हो बर्ड्स उड़ रहे हैं। तो हमारा जहाँ तक बर्ड्स वाला वीडियो है वहाँ तक आपको वीडियो को रख लेना है। तो यहाँ पर आ जाना है इस तरीके से, जो व्हाइट कलर का लाइन है इसमें आपको सीधे में रखना है और नीचे से आपको कैची वाला ऑप्शन में स्प्लिट कर देना है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है, इतना करना है। अब यहाँ पर गाइस इतना कर लेने के बाद यहाँ पर हमारा जो स्काई है उसको ऑरेंज कलर में चेंज कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको फिर से स्टिकर वाला ऑप्शन में आ जाना है, वीडियो फोटो वाला ऑप्शन में जाना है और यहाँ से फोटो वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। इस बार फोटो वाले ऑप्शन में आना और यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर का पिंक कलर का स्काई है इसका फोटो को ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर फिल वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, ऑटोमेटिक पूरे वीडियो में फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ तक हमारा वीडियो है वहाँ तक इसको ले जाना है, ठीक है, देख सकते हो ये एरो पे आपको क्लिक करना है, इस तरीके से स्लाइड करके ले जाना है। अब यहाँ पर इसमें क्लिक कर लेना और ब्लेंडिंग में फिर से जाना और इस बार इसको आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस बार आपको करना है ओवरले। ओवरले पे जैसे ही क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली आपका जो स्काई रहेगा वो ऑरेंज कलर और पिंक कलर में हो जाएगा, ठीक है। अब आपको राइट में क्लिक कर लेना है। तो गाइस देख सकते हो हमारा स्काई भी इस तरीके से लग चुका है, ठीक है। सो गाइस इतना कर लेने के बाद स्टार्टिंग में जो लिरिक्स आता है ना उसको आपको ऐड कर लेना है। तो आपको जैसे बता रहा हूँ सेम उसी प्रोसेस से करना और इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखते रहो गाइस, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके से बता रहा हूँ। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइस, मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब यहाँ पर आपको ऐड कैसे करना है, सो गाइस लिरिक्स ऐड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो स्टार्टिंग में ये वाला ऑप्शन है वीडियो वाला, इसमें आपको क्लिक कर देना है, वीडियो फोटो वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो 7 सेकंड का जो लिरिक्स वाला वीडियो है उसको आपको ऐड कर लेना है। इसको भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इजीली डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर मैं इसको भी अपलोड कर दूँगा, ठीक है। अब नीचे आपको एरो पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे स्टार्टिंग में इस तरीके से लिरिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये लिरिक्स में भी ऑडियो है, इसको ऑफ कर देना है गाइस। तो नीचे से स्लाइड करना और आपको एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा वॉल्यूम वाला, इसमें आपको क्लिक करना है और इसको जीरो कर देना, फिर आपको डन कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, इतना कर लेना, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर सिंपली गाइस अपने म्यूज़िक को ऐड कर लेना है। म्यूज़िक ऐड करने के लिए म्यूज़िक वाले आइकॉन में क्लिक करेंगे, म्यूज़िक में चले जाएंगे और यहाँ पर ये वाला म्यूज़िक है इसको चूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसको भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें, जो भी मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ म्यूज़िक वीडियो क्लिप वो सारा आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। अब नीचे आपको राइट पर क्लिक करके इनको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो हमारा म्यूज़िक भी यहाँ पर ऐड हो चुका है, देख सकते हो गाइस। अब यहाँ पर सिंपली गाइस देख सकते हो हमारा जो वीडियो क्लिप है यहाँ पर इस तरीके से, जो वीडियो क्लिप है और हमारा वीडियो है इनके बीच में एक प्लस वाला आइकॉन है, इसमें आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन लगा लेना है, तो आपको ये जूम वाला जो ट्रांजिशन है ना ये देख सकते हो, जूम
इसमें आपको क्लिक करना है और राइट में क्लिक कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके का इफेक्ट आएगा जूम वाला, देख सकते हो किस तरीके से दिख रहा है, एकदम गजब तरीके से। अब गाइज इतना हो चुका है, अब हमारा वीडियो है, वीडियो में भी हम एफएक्स यूज़ कर लेते हैं। तो एफएक्स यूज़ करने के लिए वीडियो में आ जाएंगे, एफएक्स में क्लिक कर देना है और आपको जो इफेक्ट अच्छा लगे उसको रख सकते हो। स्टार्टिंग में जो व्हाइट कलर का लाइन है इसको स्टार्टिंग में रखना, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर आपको जूम आउट को रख लेना है, जूम आउट रखने के बाद इस तरीके से फुल कर लेना है जहाँ तक आपको हो सके, और नीचे से राइट में क्लिक करके इस तरीके से रख लेना है। तो इस तरीके का इफेक्ट आएगा इस, देख सकते हो जूम आउट वाला, ठीक है। तो इतना कर लेने के बाद हमारा एडिटिंग कंप्लीट हो गया गाइस, मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो गाइज हमारा वीडियो एकदम आसान तरीके से बन चुका है, आपको भी सेम इसी तरीके से बना लेना है गाइज, ठीक है। अब इस वीडियो को सेव कर लेना, तो सेव करने के लिए ऊपर एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, जो ब्लू कलर का एरो दिख रहा है इसमें आपको क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आपका वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आई होप गाइज ये वाला ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि मैं इसी तरीके का वायरल ट्यूटोरियल डालते रहता हूँ गाइज, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।